यूट्यूब से 4 लाख रुपया आने वाला था, वो एकदम बर्बाद हो गया है। अब 4 लाख रुपया नहीं मिलेगा, एक भी रुपया नहीं मिलेगा। मैं आप लोगों को लाइव प्रूफ दिखा देता हूँ, जो कि ये मार्च महीने का अर्निंग है, जो कि आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। ये मार्च महीने का अर्निंग है, $4,681, समझ रहे हो। और ये अप्रैल महीने का अर्निंग है, जो कि आप लोग देख सकते हैं, $932। अभी अप्रैल महीने के 7 तारीख चल रहे हैं, ठीक है। 7 दिन में भाई अर्निंग देख सकते हैं $932। तो ये कितना कमाई हो रही थी भाई, और ये जो कमाई कर रहे थे ना, वो एक कॉपी पेस्ट चैनल है, समझ रहे हो। मेरा ही एक सब्सक्राइबर है जो कि कॉपी पेस्ट करके उन्होंने कमाई किया है। अब ये कमाई उनको नहीं मिलेगा, तो ये पैसा उनके अकाउंट पर क्यों नहीं आएगा? क्या उन्होंने गलत किया है जिसकी वजह से ये पैसा उनको नहीं मिलेगा? सब कुछ मैं इस वीडियो पे आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा। बट उससे पहले गाइस, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि अगर आप लोग एक नया यूट्यूबर है, अभी अभी चैनल को बनाया है, वीडियोस को अपलोड करना स्टार्ट कर दिया है, या आपका चैनल मोनेटाइजेशन भी हो गया है, आपके अकाउंट पर पैसे आने वाला है, तो भाई इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिए। मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ इस वीडियो को आप एंड तक देखते रहिए। देखो, मेरा ही एक सब्सक्राइबर है जो कि मेरे वीडियो को देखकर उन्होंने यूट्यूब चैनल बनाया है, और उस चैनल पर काफ़ी मेहनत करने के बाद उन्होंने उनके चैनल पर 5 लाख+ सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लिया है, और उनके चैनल को मोनेटाइज भी कर लिया है, ठीक है। बट एक छोटी सी गलती के कारण उनका चैनल यहाँ पर डीमोनेटाइज हो गया है, जो कि उन्होंने कल ही मुझे इंस्टाग्राम पर आकर मैसेज किया है, जो कि आप लोग देख सकते हैं, भाई मेरे चैनल डीमोनेटाइज हो गया है, रीयूज़ कंटेंट बता दिया है। तो मैंने यहाँ पर बोला कि भाई आप अपना चैनल का लिंक दे दीजिए, मैं चेक करके आपको बताऊँगा कि आपने क्या गलती किया है जिसकी वजह से आपके चैनल पर रीयूज़ कॉन्टेंट आ चुका है। तो भाई ने चैनल का लिंक मुझे सेंड कर दिया है, और वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है इस चीज़ को लेकर के, जो कि आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। परेशान कोई भी हो सकते हैं, आप भी हो सकते हैं भाई, हम भी हो सकते हैं, अगर हमारे साथ भी ये प्रॉब्लम हो जाए तो। इतना पैसा, समझ रहे हो भाई, 4-5 लाख पैसा अगर मेहनत करने के बाद नहीं मिलता है तो परेशान तो कोई भी बंदा हो सकता है भाई, ठीक है। देखो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वो रो रहा है, मैसेज करके वो बोल रहा है। तो भाई उन्होंने क्या गलती किया है, अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। चलो उनके चैनल पर मैं आप लोगों को लेकर चलूँगा, और ये भी बताऊँगा कि इसका सॉल्यूशन क्या है, इस पैसे को आप अपने बैंक अकाउंट पर कैसे ले सकते हो, समझ रहे हो भाई। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, इस वीडियो को गलती से भी आप स्किप मत कर दीजिए, ठीक है। देखिए भाई का चैनल का नाम है कुछ ऐसा, मैं आप लोगों को नाम नहीं बताऊंगा, ठीक है। सब्सक्राइबर देखिए 4,93,000 सब्सक्राइबर है, समझ रहे हो भाई, यहाँ पर 5 लाख सब्सक्राइबर होने वाला है, और भाई ने उन्होंने इतना वीडियोज़ को अपलोड कर दिया है। और ये भाई जो है शॉर्ट चैनल पर काम कर रहा है, शॉर्ट वीडियोस को अपलोड कर रहा है, ठीक है। और इनका मैं आप लोगों को कंटेंट दिखा देता हूँ, देखो इनके कंटेंट देखो कुछ इस तरीका है, जो कि ये कॉपी पेस्ट कंटेंट है, समझ रहे हो भाई, यानी कि दूसरे का वीडियो ये डाउनलोड कर रहा है और उनके चैनल पर अपलोड कर रहा है, कुछ इस तरीके से। मैं आप लोगों को एक वीडियो प्ले करके दिखा देता हूँ, जो कि आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। ये एक चाइनीज़ वीडियो है, और ये चाइनीज़ वीडियो को डाउनलोड करके कुछ इस तरीके से ये अपलोड कर रहा है, ठीक है। मतलब कॉपी पेस्ट एक चैनल है, इनके वीडियो पर फेस भी दिया है, जो कि आप लोग देख सकते हैं नीचे कोन में इनका फेस दिखा रहा है, समझ रहे हो भाई। ये देखो हर वीडियो पर उन्होंने फेस दिखाया है, फिर भी इनका चैनल रीयूज कंटेंट आ चुका है, डीमोनेटाइज हो गया है, मोनेटाइज होने के बाद भी डीमोनेटाइज हो चुका है इनके चैनल। 3 घंटा एनालिसिस करने के बाद मुझे पता चला है कि भाई ने यहाँ पर 3 गलती किया है, एक नहीं, 2 नहीं, 3 गलती किया है, छोटी छोटी गलती है। तो ये 3 गलती क्या है वो मैं आप लोगों को बताऊँगा, ताकि आप भी अपने चैनल पर ये गलती ना करें, आपका चैनल सेफ रहे, आप यूट्यूब से पैसे अर्निंग करें, ठीक है। अब देखो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ठीक है, इनका वीडियो मैं आप लोगों को प्ले करके दिखा देता हूँ, जो कि आप लोग देख सकते हैं कुछ इस टाइप का ये वीडियो है, समझ रहे भाई, ये कॉपी पेस्ट वाला वीडियो है, यानी कि ये दूसरे का वीडियो है, इनका खुद का तो वीडियो नहीं है, समझ रहे भाई। ध्यान से वीडियो को देखो तभी आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ये यूट्यूब का वीडियो है या अदर कोई एप्लीकेशन से ये वीडियो को उठाया है, समझ रहे भाई। उठाने के बाद पहला नंबर जो गलती है वो ये है कि ये वीडियो को उन्होंने अच्छी तरीके से एडिट नहीं किया है, और ये जो देख सकते हैं ये भाई का जो चेहरा यहाँ पर उन्होंने ऐड किया है, ये किस तरीके से ऐड किया है, ये कोलाब करके ऐड किया है। कोलाब का मतलब है, देखो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, यहाँ देखो नीचे जो रिमिक्स का ऑप्शन है, इस रिमिक्स वाले ऑप्शन पर जैसे क्लिक करोगे यहाँ पर कोलाब का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो यहाँ पर क्लिक करके आप ग्रीन स्क्रीन यूज़ कर सकते हैं, या इस वीडियो को आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कोलाब करके मतलब काट करके छोटा सा जो पार्ट है उसको काट करके आप यूज़ कर सकते हैं, देखो यहाँ पर। तो ये एक पहला नंबर गलती है, तो भाई ये अगर आप करते हैं तो ये तो ओरिजिनल वीडियो ही आप अपलोड कर रहे हो ना चैनल पर, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, यूट्यूब से यही वीडियो को जस्ट कोलाब कर रहे हो, ठीक है। मतलब यही ओरिजिनल वीडियो है, उस पर आप अपना फेस ऐड कर दे रहे हो और कुछ नहीं है, सिंपल सा ओरिजिनल वीडियो है, वही वीडियो का दोबारा आप अपलोड कर रहे हो। यूट्यूब तो कोई इंसान नहीं है ना, यूट्यूब को कोडिंग किया गया है, यूट्यूब को एक प्रोग्राम में सेट कर दिया गया है,
ठीक है। तो ये ओरिजिनल वीडियो को आप जस्ट अपना फेस ऐड करके अगर अपलोड करते हो ना, तो यूट्यूब को पता चल जाता है, यूट्यूब ओरिजिनल वीडियो और ये वीडियो मैच कर लेता है, डिटेक्ट कर लेता है, ठीक है, और जिसकी वजह से वो रियूज कंटेंट बता देती है, समझ रहे भाई। तो अगर आप ये गलती करते हो तो आपसे ये गलती ना करें। तो ये तो एक नंबर गलती है। अब दो नंबर गलती क्या है वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, एंड तीन नंबर गलती इससे भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो आप सुन लीजिए, ठीक है। अब देखो मैं आपको वीडियो प्ले करता हूँ, अब देखो इस वीडियो का टाइटल देखो, ठीक है, फेड सॉन्ग डिसेबल वाइप, ठीक है, हैशटैग शॉर्ट वायरल, ये एक मतलब इसका वीडियो का टाइटल है। उसके बाद नेक्स्ट फेड सॉन्ग डिसेबल हस्बैंड, देखो शॉर्ट वायरल, ये एक टाइटल है। अब देखो ये हर वीडियो पर एक ही टाइटल ऐड किया है, हर वीडियो पर। अब देखो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, फेड सॉन्ग डिसेबल लेग, ये देखो फेड सॉन्ग डिसेबल यंग मैन, फेड सॉन्ग डिसेबल लेग्स, फेड सॉन्ग डिसेबल फादर, फेड सॉन्ग डिसेबल फादर, फेड सॉन्ग डिसेबल, देखो भाई एक ही टाइटल हर वीडियो पर उन्होंने ऐड किया है। तो अगर आप हर वीडियो पर एक ही टाइटल को यूज़ करते हैं तो यूट्यूब पर एक यहाँ पर पॉलिसी है जिसको बोलते हैं रिपीटेटेड कॉन्टेंट। अगर आप टाइटल एक लगाते हो, अगर आप वीडियो एक लगाते हो, अगर सॉन्ग एक लगाते हो, तो यहाँ पर रिपीटेटेड कंटेंट वीडियो पर आ जाता है, मतलब आप एक ही वीडियो को अपलोड कर रहे हो, ठीक है, जिसकी वजह से इसका चैनल यहाँ पर रियूज कंटेंट आ चुका है, जो कि आप लोग देख सकते हैं। इन्होंने सॉन्ग भी चेंज नहीं किया है, कि हर वीडियो पर एक ही सॉन्ग उन्होंने यूज़ किया है और हर वीडियो पर एक ही टाइटल को यूज़ किया है। तो ये दो नंबर गलती है। तो आपको कभी भी ये गलती नहीं करना है, आपको अलग अलग वीडियो पर अलग अलग टाइटल लगाना है, अलग अलग सॉन्ग को यूज़ करना है, ये दो नंबर गलती है। अब ये तीन नंबर गलती, ये काफ़ी बड़ा एक गलती है, ये काफ़ी लोग करते हैं, तो ध्यान से देखिए। देखो यहाँ पर भाई ने तो वीडियो ऐड किया है, वीडियो पर रिएक्शन दिखाया है, बट वीडियो पर 0% रिएक्शन दिखाया है। यूट्यूब ने साफ साफ अभी बता दिया है कि अगर आपका रिएक्शन चैनल है और आप अपने वीडियो पर 0% रिएक्शन दिखाते हो तो आपका चैनल मोनिटाइज नहीं किया जाएगा। आप कहोगे कि भाई आपने काफ़ी वीडियो पर बोला था कि भाई आप इस तरीके से वीडियो बनाकर अपने चैनल को मोनिटाइज कर सकते हो। देखो मोनिटाइज तो कर सकते हो, मैं भी बोला था कि भाई आप 0% रिएक्शन देकर भी अपने चैनल को मोनिटाइज कर सकते हो। वो वीडियो काफ़ी पुराना वीडियो है, जब चैनल मोनिटाइजेशन होता था तब मैंने बोला था कि भाई देखो इस तरीके से काम करके आप लोग पैसे अर्निंग कर सकते हो, अपने चैनल को मोनिटाइज कर सकते हो। अभी यूट्यूब का जो पॉलिसी है मोनिटाइजेशन पॉलिसी, वो चेंज होता रहता है, दिन के दिन चेंज होता रहता है, समझ रहे हो भाई। और अभी YouTube बता दिया है कि अगर आप 0% रिएक्शन वीडियो बनाएंगे तो आपका चैनल डिमोनेटाइज नहीं किया जाएगा, जो कि भाई ने यहाँ पर गलती किया है और जिसकी वजह से उनको इतना बड़ा सजा यहाँ पर भुगतना पड़ रहा है, समझ रहे हो भाई। तो आपको ये गलती नहीं करना है। तो आपको करना क्या होगा, आप देखो यहाँ पर अगर आप रिएक्शन चैनल बनाते हो, आप भी अगर आप रिएक्शन वीडियो से पैसे अर्निंग करना चाहते हो, तो सबसे पहला काम आपको करना क्या होगा, वीडियो को आपको डाउनलोड करना है, ठीक है। अगर आप YouTube का वीडियो ही लेकर आप रिएक्शन देना चाहते हो तो सबसे पहले आपको वीडियो को डाउनलोड करना पड़ेगा, ना कि आप कोलैब को यूज़ करके आप ग्रीन स्क्रीन वीडियो बनाइए, ऐसा आपको नहीं करना है, नहीं तो आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। आपको वीडियो को डाउनलोड करना है, किसी भी वीडियो एडिटर एप्लीकेशन पर आपको जाना है, अच्छी तरीके से वीडियो को आपको एडिट करना है, एंड एडिट करने के बाद आपको एक फ़ोन में इस तरीके से रिकॉर्ड करना है आपका खुद का वीडियो, और एक फ़ोन में आपको ओरिजिनल वीडियो को प्ले कर देना है, समझ रहे भाई। उसके बाद आपको वीडियो को रिकॉर्ड करना है, अच्छी तरीके से एडिट करना है, आपको थोड़ा बहुत कमेंट्री भी ऐड करना होगा, थोड़ा बहुत आपको वॉइस ओवर करना होगा, थोड़ा बहुत हंसना होगा, रोना होगा, इस तरीके से आपको मतलब 0% रिएक्शन नहीं दिखाना है, आपको कुछ रिएक्शन दिखाना होगा, समझ रहे भाई। और उसको अच्छी तरीके से एडिट करने के बाद यूट्यूब पर अपलोड कर दीजिए, ठीक है। और यहाँ पर आपको एक ही टाइटल वीडियो पर बार बार यूज़ नहीं करना है, एंड एक ही सॉन्ग को आपको यूज़ नहीं करना है हर वीडियो पर, समझ रहे हो। तो ये तीन गलती आपको नहीं करना है। तो ये करेंगे तो आपके चैनल मोनेटाइजेशन भी होगा और यूट्यूब से आप पैसे भी अर्निंग कर सकते हो। देखो इनका चैनल भी तो यहाँ पर मोनेटाइजेशन हो गया था, बट इन्होंने गलती कर दिया, मिस्टेक कर दिया, जिसकी वजह से डिमोनेटाइज हो गया। अब बात करते हैं कि भाई ये पैसा उनको मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसका सोल्यूशन क्या है। भाई मैं हर वीडियो पर सोल्यूशन बताते रहता हूँ, तो अभी मैं आप लोगों को सोल्यूशन भी बताऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। अब देखो इस पेमेंट को लेने के लिए आपको करना क्या होगा, ठीक है, आप अपने चैनल को कैसे फिर से मोनेटाइज कर सकते हो। तो सबसे पहले भाई आपको करना क्या होगा, जो वीडियो पर रियूज कॉन्टेंट आया है, यूट्यूब तो यहाँ पर खुद नहीं बताता है कि भाई इस वीडियो के वजह से आपके चैनल पर रियूज कॉन्टेंट आ चुका है, तो सबसे पहले भाई आपको करना क्या होगा, देखो आपका चैनल जो है तो कॉपी पेस्ट चैनल है,
ठीक है, तो आपको सबसे पहले उस वीडियो को डिलीट करना पड़ेगा जिस वीडियो के वजह से आपके चैनल पर रियूज कंटेंट आ चुका है। अगर आपको नहीं मालूम हो रहा है कि कौन सी वीडियो के वजह से हमारे चैनल पर रियूज कंटेंट आ चुका है, तो भाई आप एक एक करके वीडियो को डिलीट कर दीजिए सभी वीडियो को। उसके बाद आप ओरिजिनल तरीके से रिएक्शन वीडियो बनाइए, समझ रहे हो। आपके चैनल पर तो 5 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुका है, तो टेंशन न मत लो, आपका चैनल ग्रो हो जाएगा फास्ट, ठीक है। आप यही टॉपिक को लेकर काम करो, ठीक है। अगर आप कॉपी पेस्ट कर रहे हो, यही वीडियो जो आप अपलोड कर रहे हो वही वीडियो पर अपलोड करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो पुराने वीडियो को डिलीट करने के बाद आपसे जितने भी सारे वीडियो को आप अपलोड करेंगे, उस वीडियो पर आप अच्छी तरीके से रिएक्शन दिखाइए, वीडियो को अच्छी तरीके से एडिटिंग कीजिए, थोड़ा सा वॉइस ओवर कीजिए, अच्छी तरीके से एक प्रोफेशनल रिएक्शन दिखाइए, जैसे ठगेश सर करते हैं। ठगेश का चैनल तो आपने देखा होगा, कितना बड़ा चैनल है, वो भी तो रिएक्शन वीडियोस अपलोड करते हैं। उनके वीडियो पर तो अभी तक रियूज कंटेंट नहीं आया है, क्योंकि वो प्रोफेशनल तरीके से रिएक्शन दिखाता है। तो आपको भी प्रोफेशनल तरीके से रिएक्शन वीडियोस बनाना होगा, ठीक है। तो आप एक एक करके वीडियो को डिलीट कर दीजिए, एक वीडियो को अपलोड करो, एक वीडियो को डिलीट करो, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप करेंगे तो आपके चैनल का जो रीच है वो भी डाउन नहीं होगा, आपके चैनल वही स्टेबल रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। और जब आपको लगता है कि आपने पुराने ऑल वीडियो को डिलीट कर दिया है और नए वीडियो से आपको वॉच टाइम मिल चुका है, या सॉरी व्यूज मिल चुका है 10 मिलियन व्यूज, तो आप अपने चैनल को फिर से मोनेटाइज के लिए रीअप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो आप रीअप्लाई कर दीजिए, 100% आपका चैनल मोनेटाइजेशन हो जाएगा। उसके बाद अपने एड्रेस पर जाकर अपना बैंक अकाउंट ऐड कर दीजिए और आपका पेमेंट 100% आ जाएगा, समझ रहे भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आज का जो वीडियो था गाइस वो यही तक था। आई होप कि मैंने आप लोगों को सब कुछ क्लियर कट समझा दिया है। फिर भी अगर आप लोगों को फिर भी कुछ डाउट है तो नीचे आप लोग कमेंट कीजिए। अगर आपके साथ कुछ भी प्रॉब्लम होती है यूट्यूब में एड्रेस में, तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर आकर मैसेज कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो, मैं आपको जरूर 100% रिप्लाई करूंगा एंड जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व करूंगा, ठीक है। इंस्टाग्राम का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, या इंस्टाग्राम पर आकर सर्च भी कर सकते हैं मिस्टर बावरी 5, तो मेरा अकाउंट मिल जाएगा, उसको फॉलो कर लीजिए एंड डीएम कीजिए, ठीक है। चलिए गाइस मिलते हैं किसी और एक न्यू धमाकेदार वीडियो पर, तब तक लिए बाय बाय।